Namaste everyone, welcome to my channel Tourist Natural Cure. Today I am telling you first that मैं ये जो वीडियो है बहुत टाइम बाद अपलोड कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई सम फैमिली प्रॉब्लम्स. सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो फर्स्ट. सो दिस इज माई फर्स्ट रिव्यूइंग प्रोडक्ट रिव्यूइंग वीडियो एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर हेयर फॉल्स, स्प्लिट एंड्स एंड ऑल हेयर प्रॉब्लम्स. आई एम नॉट शेयरिंग एनी रेमेडी ट्रे. येस फ्रेंड्स, आई एम नॉट शेयरिंग एनी रेमेडी ट्रे. आई एम जस्ट टू रिव्यूइंग द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड ये जो दो मैं प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूँ इससे आपको बहुत ईजी एंड बहुत ज़्यादा इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं ये उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं एंड ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक बेस्ड है. एंड ये भी हम आप बताना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैन, वुमेन, चाइल्ड, स्टूडेंट्स, एडल्ट ये सब के लिए बेनिफिशियल है एंड इसे सब ईजिली यूज कर सकते हैं. बट एंड नरिशिंग शैम्पू एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज कीवा एंटी हेयर फॉल क्रीम. सो यही दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका आज रिव्यू मैं आपके सामने करूंगी. तो सबसे पहले बात करेंगे कीवा हेयर नरिशिंग शैम्पू के बारे में कि ये किस कंपनी से बिलोंग करता है, किस तरह से काम करता है एंड इससे इंस्टेंट रिजल्ट आपको क्यों जल्दी मिलेगा. सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपनी की. सो ये जो कीवा हेयर नरिशिंग शैम्पू है ये आप देख सकते हो ये GMP कंपनी से बिलोंग करता है. इस पे इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, गुड मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज दैट प्रैक्टिस. या सो जो ये जो शैम्पू है ये ऑल अबाउट दैट आयुर्वेदिक बेस्ड. इस पे यहाँ लिखा हुआ है यूज एवरी डे नेचुरल हेयर रिपेयर फॉर्मूला रिवाइटलाइज रूट्स. ओके सो एंड यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है विद ओरिजिनल हर्बल एक्सट्रैक्ट 300 ml की ये क्वांटिटी में मिलता है. एंड इसके पीछे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये WHO GMP कंपनी सर्टिफाइड एंड ये क्वालिटी एश्योर हर्बल 100% सर्टिफाइड भी है. ये आप यहाँ पर देख सकते हो एंड जो इसका सर्टिफिकेट्स हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी. एंड जो कीवा कंपनी है इट्स अ ब्रांडेड कंपनी, इट्स अ ब्रांडेड आयुर्वेदिक कंपनी और ये ISO भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है. ये आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो इसका सर्टिफिकेट. सो सबसे पहले बात करते हैं ये जो शैम्पू है इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे क्या हैं जो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देंगे, आपके हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है एलोवेरा और यहाँ पर जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ये बायोलॉजिकल नेम है इन सबके. एंड बायोलॉजिकल नेम आई लिटरली टेल यू कि मैं नहीं जानती हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ मैथ स्टूडेंट. सो मुझे जितना पता है मैं आपको उतना बताती हूँ कि इसमें एलोवेरा लिखा हुआ है एंड एक्सिया रगेटा, सोडियम लेरल सल्फेट, ग्लिसरीन, सोडियम क्लोराइड, प्योरिफाइड वाटर, फ्रेग्रेंस, कलर, रोजमेरियम ऑफिशनिकल्स, क्यूरियस इन्फेक्टोरिया एंड इस टाइप के यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं. एंड ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के बायोलॉजिकल में ट्रांसफर नेम है. एंड ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें एंड ये आपको इन्हेंस हर्ब्स के साथ मिलता है. एंड ये शैम्पू नरिशिंग के साथ साथ आपको इस, अगर ये आप शैम्पू यूज करते हैं तो आपको इसमें कंडीशनर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप 2 दिन के अंदर अंदर फर्क देखोगे कि आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह मिला है. सो अगर आप बहुत से शैम्पू यूज कर चुके हो, बहुत से प्रोडक्ट अपने हेयर में यूज कर चुके हो सो प्लीज एक बार इस शैम्पू को यूज करके क्वालिटी एंड क्वालिटी की इसकी क्वांटिटी में आपको मिलेगी 300 ml की इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी. एंड इसकी जो क्वालिटी है ये ISO सर्टिफाइड क्वालिटी है एंड 100% अश्योर्ड इसमें हर्बल दे रहे हैं. एंड इसमें जो प्राइस इसकी लिखी हुई है 299. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि जो 299 इसका प्राइस लिखा हुआ है मुझे ये 299 में नहीं मिला है, मुझे ये 150 में मिला है क्योंकि मैंने डायरेक्टली जो वहाँ के रिटेलर्स हैं मैंने उनसे परचेज किया हुआ था. सो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर मिला हुआ है एंड मुझे ये शैम्पू, मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ और मेरा इतना हेयरफॉल हो रहा था कि मैं जब भी कॉम करते थे अपने बालों में सो बाल नहीं. कीवा एंटी हेयरफॉल क्रीम की इस क्रीम का काम क्या होता है, ये क्रीम आपको कैसे यूज करना है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, सब कुछ सारी बात एक अभी करेंगे. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एंटी हेयर फॉल क्रीम। ये एंटी हेयर फॉल में मींस हेयर फॉल में काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी ये क्रीम। एंड इस पे लिखा हुआ है सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप, सेफ टू यूज ऑन आर्टिफिशियली कलर्ड और कर्ल्ड हेयर। सो ये सभी टाइप के बालों में यूज आप कर सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आपके कर्ल्ड हेयर हैं या फिर स्ट्रेट हेयर हैं तो आप नहीं कर सकते हो, ये सभी में कर सकते हो। एंड यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कोको ऑयल, ब्रिंगराज, आमला, शिखाकाई, तिल ऑयल, केराटिन प्रोटीन्स, एडेरा डिसोडियम, एमपीएस, जीएम वाटर, फ्रेग्रेंस एक्सेट्रा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए गए हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं, सारे नेचुरल हैं। एंड मैं इस क्रीम को लिटरली 2 साल से यूज कर रही हूँ। एंड इसकी जब हम यूज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी काफी कम लेना पड़ती है, इट्स जस्ट लाइक अ क्रीम की टाइप लेना पड़ता है, क्वाइन साइज से भी कम लेना पड़ता है। एंड इसको पूरे बालों में मसाज करके नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बाल धो लेना चाहिए। एंड ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है WHO GMP कॉम्प्लिकेंस सर्टिफाइड कंपनी, सो कीवन इंडस्ट्रीज की ये भी है। एंड इसकी 100 ml आपको क्वांटिटी मिलती है एंड ये 299, इस पे अगेन 299 प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कीवा कंपनी से परचेज करते हैं तो आपको ये 150 अप्रॉक्स मिल जाएगी। एंड यहाँ पर इसके कीवा का जो ईमेल आईडी है ये लिखा हुआ है support@kivaindia.organization। एंड यहाँ पर कीवा इंडस्ट्रीज के जस्ट नीचे लिखा हुआ है NISO सर्टिफाइड कंपनी है ये। एंड सर्टिफाइड का आप जो सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट है ये आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते हो। सो इस कंपनी के मैं अंदर आपको दिखाती हूँ। सो इस बॉक्स को मुझे खोलकर कुछ इस टाइप का मिला है। इसकी क्वांटिटी मुझे, मेरी जो क्रीम है ये बहुत थोड़ी सी बची हुई है क्योंकि मैं इसको हर हफ्ते में 3 से 4 बार यूज करती हूँ। एंड ये अंदर से कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैं इस क्रीम को पर्सनली 2 सालों से यूज कर रही हूँ एंड मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मुझे इतना ज्यादा हेयर फॉल हो गया था, मैंने टैबलेट्स ट्राई किए, नए नए ऑयल्स ट्राई किए, न्यू शैम्पूस ट्राई किए, बट कुछ टाइम असर होता था, फिर उसके बाद एज इट इज हो जाता था। सो मैं इन 2 प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, सो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। एंड ये जो क्रीम एंड ये जो शैम्पू है, अगर आप महीने में इसको शैम्पू को मैक्सिमम वीक्स में 2 बार धोना चाहिए, क्योंकि अगर बाल रेगुलर कभी वॉश नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज जो हमारे बालों का नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाता है और बाल ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो उसका नेचुरल नरिशमेंट है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। सो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत से ऑयल टैबलेट्स क्रीम्स एंड ऑल दैट सीरम्स यूज़ कर चुके हो, तो अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 to 3 or 4 days में आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलने लगेगा। सो दैट्स इट, आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आए और अगर आप इसको इस शैम्पू या इस क्रीम से अगर आपको फ़ायदा मिले सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।